नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। 29 मार्च 2021 को होली के अवसर पर प्रकृति सेवा समिति की ओर से जनकपुरी में इको फ्रेंडली फूलों की होली मनाई गई। इस अवसर पर प्रकृति सेवा समिति के उपाध्यक्ष यशपाल सिंह व प्रकृति सेवा समिति के संस्थापक महासचिव पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल ने लोगों को एकत्र कर इको फ्रेंडली होली मनाने का संदेश दिया और फूलों की होली खेली। इसी समय पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा और अपने ऐसे त्योहारों को इको फ्रेंडली बनाना होगा जिससे कि मानव और जीव जंतुओं के जीवन का अस्तित्व बना रहे। की होली जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, प्रकृति पर्यावरण के लिए भी है, तो फूलों से कोई नुकसान भी नहीं होगा और ना हमारे शरीर को नुकसान है ना किसी प्रकार से कैसे नुकसान है, तो ये इको फ्रेंडली होली होती है। तो चलिए हम खेलते हैं फूलों की होली। हैप्पी इको फ्रेंडली होली, हैप्पी होली। तो सभी को जो है होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और होली सभी के लिए शुभ हो। हैप्पी इको फ्रेंडली होली। बोलेंगे आप? बोलो, कोई बोलो। इको फ्रेंडली होली। तो ये होली जो है वो शुभ हो और हम अच्छे से सबका स्वास्थ्य बढ़िया हो इसकी कामना करते हैं। तो ऐसे ही हमें जो है ये कार्यक्रम करते रहने चाहिए जो सबके लिए लाभकारी हो। ठीक है, हैप्पी होली। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें धनगर शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।